हेलो गाइस, दिस इज़ डिफेंस डीसी एंड मेरा नाम है दिनेश चौहान। मैंने एफकेट सीडीएस एनडीए एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप के रिटर्न एग्ज़ाम ऑलरेडी क्लियर किए हैं और मैंने सीडीएस की स्ट्रेटजी का वीडियो बना चुका हूं। और इससे जस्ट पहले कल एक वीडियो आ चुकी जिसमें सीएपीएफ 2021 का पेपर वन का एनालिसिस किया था कंप्लीट, कि कितने क्वेश्चन मैं करके आया, मेरे कितने मार्क्स आ रहे थे, पेपर का लेवल क्या था। और आज की जो वीडियो होगी उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ और पेपर टू का एनालिसिस। पेपर टू का एनालिसिस में हम क्या देखेंगे कि क्वेश्चंस के आंसर मैंने क्या लिखे, क्या क्वेश्चंस आए, कैसा था पेपर, पेपर का क्या लेवल था और कैसे आंसर लिखे, क्या मेरी स्ट्रेटजी रही, ये सब चीज़ें आज की वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है जी। और अगर पेपर के वन के एनालिसिस की अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप इससे जस्ट पहले कल जो अपलोड की जा चुकी है उस वीडियो को आप देख सकते हो, ठीक है। वो वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी सीएपीएफ 2022 के एस्पायरेंट को कि किस तरह की उनकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए पेपर वन को टैकल करने के लिए, क्योंकि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो आपको पेपर टू चेक ही नहीं होगा, ठीक है जी। तो अभी बात करते हैं अपन पेपर टू को, पहले आपको दिखाऊंगा कि क्या था पेपर टू और फिर उसके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ऐसे के क्या क्या क्वेश्चन थे, उनमें मैंने क्या आंसर लिखे, आर्गुमेंट क्या आए थे, उनमें मैंने क्या लिखा और जो भी रिपोर्ट आई थी उनमें क्या लिखा मैंने, क्या क्या आया था, ठीक है। हर चीज़ का सोल्यूशन के बारे में बात होगी, फिर आप खुद मेरे मार्क्स का अंदाज़ा लगा सकते हो। पेपर वन के एनालिसिस और मार्क्स मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसे आप वीडियो को जाके देख सकते हो जो कल अपलोड की जा चुकी है। देखिए जी, ये है सीएपीएफ 2021 का पेपर टू, देखिए लिखा हुआ है इस पर सीएपीएफ एसी एग्ज़ाम 2021, इसका नाम होता है जनरल स्टडीज़ एसे एंड कॉम्प्रिहेंसन, क्योंकि इसी के बारे में पेपर रहता है। अब देखिए इसका पहले एक दर्शन कर लेते हैं कि इसमें होता क्या है। इसमें क्या 6 ऐसे दिए होते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, लिख रहा है ना, इनमें से कितनी 4 पर 300 शब्दों में निबंध लिखी है, तो इनमें से जो ये 6 दिए हुए हैं इनमें से किन्हीं 4 को हमको करना है, ठीक है। जैसे भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन की आर्थिक नीति, मतलब चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया, ये क्वेश्चन मैंने किया था। वर्क फ्रॉम होम एक वरदान और एक अवसर, वर्क फ्रॉम होम के बारे में ए बून और अ वेन, ठीक है। पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया इज़ अ फ्लरिसिंग फैमिली बिजनेस, मतलब भारत में दलगत राजनीति एक फलता फूलता पारिवारिक व्यवसाय है, ये क्वेश्चन। बेरोजगारी और नई शिक्षा नीति, ये क्वेश्चन मैंने किया था, ठीक है जी। शहरीकरण मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मतलब अर्बनाइजेशन इज हैजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ, ये नहीं किया था। और ये घुसपैठी है भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, इन्फिल्ट्रेटर आर अ थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी, ये क्वेश्चन मैंने किया था। मतलब यही थोड़ी कमी रह गई थी कि मैं इसमें से 4 की जगह 3 ऐसे करके आया था, मैं उनके आंसर आपको बताऊंगा और पूरा एनालिसिस करूंगा कि मेरे कितने नंबर आ सकते हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं, ठीक है जी। तो बात करते हैं जैसे इलेक्शन, अब देखिए ये होता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एक लाइन दी हुई होती है, फिर उसमें क्वेश्चन ही देख लीजिए आप, राइट आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब हमें इसके फेवर में कुछ पॉइंट लिखने हैं आर्ग्यूमेंट के, कि ये बात सही है तो क्यों सही है उसके फेवर में, और ये बात गलत है तो क्यों गलत है उसके अपोजिट में। तो क्या आया था, इलेक्शन इन स्टेट शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली, मतलब सारे स्टेट में जो इलेक्शन है ना वो एक साथ होनी चाहिए, जैसे यूपी में पहले होते हैं, राजस्थान में बाद में, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि एक साथ इलेक्शन हो, वन नेशन वन इलेक्शन, ये है इसका आर्ग्यूमेंट का जो टॉपिक है। फिर नेक्स्ट वाला तो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सियल टॉपिक है, फार्म प्रोटेस्ट आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, कि जो फार्मर के जो प्रोटेस्ट हैं ये असली नहीं है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ऐसा इस ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इसके हमें फॉर्म में पॉइंट देना है, इसके सपोर्ट में, कि हाँ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है जी। 20-20 नंबर का ये भी, इसका भी वेटेज ऐसे के बराबर ही है, ऐसे भी एक 20 नंबर का होता है, ये भी 20 नंबर का होता है। आगे होती है रिपोर्ट 200 वर्ड की, 10 नंबर की, 10-10 नंबर की दो रिपोर्ट। अब इसे ऑक्सीजन क्राइसिस इन दिल्ली, वैसे सही है, ऑक्सीजन क्राइसिस इन इंडिया नहीं करवाया तो दिल्ली का लिखवा दिया है, ठीक है जी, इस पर रिपोर्ट लिखनी है। और पोहल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल, तो जो अभी हुआ था, तो ये रिपोर्ट जो होती है करंट टॉपिक के ऊपर होती है। रिपोर्ट का मतलब जैसे आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, वो सब रिपोर्ट ही तो हैं, उसका फिक्स फॉर्मेट होता है, ऊपर एक टॉपिक का नाम, इधर उसका रिपोर्टर या जो भी एजेंसी है, जो भी न्यूज़ एजेंसी, उसका नाम, फिर डेट एंड टाइम, और फिर नीचे लिख दीजिए रिपोर्ट, यही होता है रिपोर्ट का एक फॉर्मेट, इनके बारे में बात करेंगे। फिर देख लीजिए ये होता है एक प्रेसी का क्वेश्चन। प्रेसी का मतलब क्या होता है, इसका नाम से समझ आ रहा है कि ये जो पूरा पैसेज आपको दिया हुआ है इतना बड़ा, इसको आपको 1/3 करके लिख देना है, जैसे 3 पैरा है ना, उनको 1 पैरा के बराबर करके लिख देना है बॉक्स में। बॉक्स आता है वो, एक बॉक्स में एक वर्ड लिखना है, 15 मार्क्स का होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रेसी सच में काफ़ी टफ था, आप स्क्रीनशॉट लेके या रोक के कैसे करके पढ़ के देख सकते हैं, आपकी समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था पैसेज का, 20 नंबर का क्वेश्चन होता है ये, ठीक है जी। इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं 4-4 नंबर के, तो अब देखते हैं। जैसे ये काफ़ी इजी था और इजी क्वेश्चन थे, पैसेज को करेक्ट करना, मतलब बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ था और क्वेश्चन भी डायरेक्ट थे पैसेज से। ये 5 क्वेश्चन थे, 4-4 नंबर के, 20 नंबर का हो गया पैसेज। फिर होती है 25 नंबर की ग्रामर, 10 नंबर के तो ये 10 क्वेश्चन, एक एक नंबर के। और
फिर ये पांच वर्ड दिए हुए हैं, इनसे सेंटेंस बनाना है। दो नंबर का एक सेंटेंस है, पांच, ठीक है। और ये एक एक मतलब इनमें करेक्शन करना है हमें, कोई भी फालतू चेंज ना करते हुए इनको करेक्ट करना है। ऐसे एक एक नंबर का ये पांच क्वेश्चन, ये था टोटल। तो कुल मिला के 25 नंबर की हो गई ग्रामर। तो ऐसे करके 200 नंबर का पेपर टू बनता है। पेपर वन का मैं आपको बता चुका हूँ, पेपर वन होता है 250 का, ये होता है 200 का। अब बात करते हैं कि मैंने क्या आंसर्स लिखे अलग अलग क्वेश्चंस के, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा देखना आपके लिए। तो गाइस बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले ऐसे का जो क्वेश्चन होता है, मैं आपको पहले बता दूं कि मुझसे जो ब्लंडर हुआ है पेपर में वो यही हुआ है कि जो चार ऐसे होते हैं उनमें से मैंने एक ऐसे छूट गया मेरे टाइम की कमी की वजह से, ठीक है जी। और 10 मार्क्स की ग्रामर छूट गई। कुल मिला के 200 में से 170 मार्क्स का अटेम्प्ट किया मैंने, 170 मार्क्स का 200 में से। इस वजह से मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा सिलेक्शन शायद नहीं होगा। वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्यों हो भी सकता है और क्यों नहीं भी हो सकता है। पेपर वन में आपको अपने मार्क्स बता ही चुका हूँ, 141 आ रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या कैसा रहा मेरा पेपर। आप खुद मुझे जज करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊंगा मैंने क्या आंसर लिखे, क्योंकि देखिए यहाँ पर बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना, घर पर आके और वीडियो बनाना, ये सब बहुत आसान है। पेपर एग्ज़ाम टाइम का प्रेशर और एग्ज़ाम टाइम पर जो दिमाग काम करता है, काश ऐसा घर जैसा वहाँ करने लग जाए जैसे जितने आइडियाज यहाँ आते हैं। लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट वो बताऊँगा जो मैंने वहाँ पे लिख के आया हूँ, ठीक है जी। तो बात करते हैं पहले ऐसे के बारे में। तो जो पहला ऐसे मैंने लिखा था वो इसी के ऊपर था, चाइनीज़ इकोनॉमिक पॉलिसी इन कंट्रीज़ बॉर्डरिंग इंडिया। मतलब भारत के जो सीमावर्ती देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, इनमें चाइना की क्या इकोनॉमिक पॉलिसी चल रही है। अब देखिए मैं मतलब इतना तो मुझे पता था कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में। तो मैंने बस वही चीज़ें, मैंने ये सब फालतू हरकतें नहीं की कि कैसे गलवान में क्लैश हो रहा है, क्या सब बातें हो रही हैं। देखिए उनको उससे मतलब नहीं है, वो इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन पर स्टिक रहना है कि जो पूछा है बस उसी का जवाब देना है। क्योंकि देखिए ऐसे तो बहुत बड़ा लिखा जा सकता है, सबसे बड़ा वही है कि 300 वर्ड में लिखना है, 300 वर्ड हल खत्म हो जाते हैं और लिखने लगोगे आपको पता चल जाएगा। तो देखिए चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में मैंने क्या लिखा था कि क्या है चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी। देखिए पहला काम तो जो मैंने टॉपिक कवर किया वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। इंट्रो किया पहले तो कि क्या है कैसे है, ठीक है। फिर देखिए चाइना की क्या इकोनॉमिक पॉलिसी। पहली बात तो चाइना इन्वेस्ट करता है भयंकर पैसा, जो वन बेल्ट वन रोड का उसका प्रोजेक्ट चल रहा है कि वो पूरे सिल्क पुराना जो सिल्क रूट है उसे रिवाइव करना चाहता है। तो जैसे पाकिस्तान में उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया CPEC, ठीक है जी। तो वो उसी का पार्ट है उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी का, इकोनॉमिक पॉलिसी का तो पार्ट है, जिससे क्या है वो वहाँ के वो उसका चाइना का जो सॉरी पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है वहाँ तक आ गया है। और ये मतलब किस तरह से हैम्पर कर सकता है इंडिया की सिक्योरिटी को, क्योंकि देखिए अरेबियन जो सी है और इंडियन ओशियन है उसका जो किंग है ना वो इंडिया को बोला जाता है। लेकिन अभी अगर वहाँ पर चाइना की नेवी चाइना के पोर्ट बन जाएंगे तो काफ़ी दिक्कत आएगी इंडिया को, जो इंडिया के लिए थोड़ा उसकी साख के लिए तो खतरा होगा ना, जो हमारी रुतबा बना हुआ है अरेबियन सी में। पहली चीज़ तो ये, और भी कई चीज़ जैसे आसपास के देशों में पैसा इन्वेस्ट करके, ये जो CPEC वाला बताया मैंने पाकिस्तान को, पाकिस्तान को आपको पता ही कितना अपनी तरफ झुका चुका है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा चीज़ इसके ऊपर काफ़ी अच्छा लिखा जा सकता है जो मैंने बोला है, लेकिन मैं जल्दी पेपर को कवर कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैंने क्या क्या लिखा आपको ऊपर ऊपर से मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ। फिर दूसरी चीज़ कि अभी ये चाइना वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहा है काफ़ी सस्ते रेट में, जो हमारे बॉर्डरिंग नेशन है नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की तो फिर बात छोड़ो, श्रीलंका, इनको वैक्सीन ऑफर कर रहा है, ठीक है जी। और डेब्ट ट्रैप का आपको पता ही है, नेपाल का जो हम्मनटोटा पोर्ट है वो हत्या ही लिया है, कि मतलब इतना कर्ज देता है, खूब धुआंधार पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है जी, किसी भी कंट्री में। फिर वो चुका नहीं पाते तो उनके जो एसेट होते हैं, उनके जो कैपिटल होते हैं, उनको हत्या लेता है। जैसे चाइना वो नेपाल में पोर्ट हत्या लिया चाइना ने, तो ये सब उसकी इकोनॉमिक पॉलिसियाँ आसपास के नेशन में, जो कि इंडिया के लिए ऑब्वियसली खतरा है। आसपास बने ही जा रहा है चारों तरफ, बिल्कुल रिंग ऑफ फायर, मतलब जैसे रिंग ऑफ फायर है ना, उसी की तरह ये नई एक रिंग बना रहा है जो इंडिया को घेर रहा है। अब देखो लास्ट वाला जो पहला होता है वो होता है सोल्यूशन का। इसके लिए सोल्यूशन क्या है, देखिए मैंने ये बताया कि इंडिया भी कोई कम नहीं है, थर्ड नंबर पर आता है परचेजिंग पावर पैरिटी में, और अपना फॉरेक्स रिजर्व $600 बिलियन का अब तक का हाईएस्ट हो रहा है, ठीक है। अपन भी थर्ड नंबर पर हैं फॉरेक्स रिजर्व के मामले में, पैसे की अपने पास कमी नहीं है। तो अपन को चाइना, जैसे अपन ने अभी नेपाल की हेल्प नहीं की तो वो थोड़ा गलत कदम लगा मुझे, मेरे ख्याल से नेपाल की हेल्प करनी चाहिए थी इंडिया को, क्योंकि आराम से अगर नेपाल की हम हेल्प करते तो नेपाल से हमारे रिलेशन अच्छे होते और वो चाइना के डेब्ट ट्रैप में नहीं फंसता और उसके जो एसेट हैं वो नहीं हत्या जाते। लेकिन पता नहीं इंडिया क्यों इतना इंटरफेयर नहीं करता चाइना के मामले में, पहला चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ वैक्सीन डिप्लोमेसी की जहाँ पर बात हुई तो वहाँ पर ऐसा करना चाहिए कि देखिए सबसे बड़ी जो वैक्सीन बनाने की इंडस्ट्री है
वो तो इंडिया के पास सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने की फैक्ट्री। तो हम तो खैर वर्ल्ड फार्मेसी के नाम से जाने ही जा रहे हैं खैर आज के वक्त में, लेकिन उनको और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आसपास के जो देश हैं उनको फंसने नहीं देना चाहिए ये वैक्सीन वाला जो चाइना उनके साथ जो गेम खेल रहा है सस्ते दर में दिला के, क्योंकि चाइना की वैक्सीन में वैसे लोगों को आजकल भरोसा नहीं हो रहा, और इंडिया के पास ये बहुत अच्छा मौका है कि हम अपना वो खेल सकते हैं। और सुनिए, और एक और सोल्यूशन क्या दिया कि जैसे वन बेल्ट वन रोड वो बना रहा है, इसी तरह का हमें भी डेवलपमेंट करना चाहिए आसपास की कंट्रीज में। जैसे कि मैंने आपको बताया फॉरेक्स रिजर्व की कोई कमी नहीं है, पैसे की कमी अपने पास भी कोई नहीं है। भले ही चाइना के मामले कम पैसा है, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने पास पैसा नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट के पास भी बहुत पैसा है, ठीक है जी। तो अपन को भी डेवलपमेंट करना चाहिए फॉरन कंट्रीज में। तो उससे पता चलता है कि भाई कि तो ये सोल्यूशन हो सकते हैं चीन को काउंटर करने के लिए, ठीक है जी, अभी के लिए। तो और लॉन्ग टर्म में तो बस यही अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करिए, मतलब एक फिक्स वो होना चाहिए कि इतनी परसेंटेज से बढ़ानी है इकोनॉमी, तो बहुत ही जल्दी हम चाइना को काउंटर कर पाएंगे और वर्ल्ड पावर बन पाएंगे, ठीक है जी। ये था फर्स्ट ऐसे। अब देखिए बात करता हूँ जो मैंने दूसरा ऐसे लिखा, वो थी बेरोजगारी और नई शिक्षा नीति। देखिए बेरोजगारी का सबसे जो मैंने लिखा था, देखिए आपको तो बताइए कि सबसे मेन जो कारण है बेरोजगारी के वो दो ही कारण होते हैं, एक तो किसी भी देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी, ठीक है जी, कि इंडस्ट्रीज कम होंगी तो वो है, और दूसरी चीज़ स्किल्ड लेबर की कमी। देखना लेबर की कमी, स्किल्ड स्किल ही नहीं है लेबर के पास तो उनको नौकरी कौन देगा। अभी दोनों आपस में जुड़ी हैं, अगर स्किल्ड लेबर होगी तो आप इंडस्ट्री भी अपने आप ही बहुत ज़्यादा खुल जाएंगी। ये जापान वगैरह हैं, मतलब कोई ज़्यादा इनके पास वो है क्या, जापान सिंगापुर मतलब कुछ नहीं है, इतनी ज़्यादा कोई ज़मीन है क्या जितनी इंडिया में, एक राजस्थान बस जापान से बड़ा है तो, लेकिन वो इकोनॉमी देखिए उनकी। देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन और स्किल का बहुत फर्क पड़ता है, और स्किल कहाँ से आती है, एजुकेशन से। अब देखिए जो अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है NEP, उसका तो मेन फोकस ही वो है स्किल डेवलपमेंट, कि किस तरह से बच्चों को 5+4+4 जो था अभी मैं भूल गया हूँ, काफ़ी दिन हो गए पेपर दिए हुए, कि जो भी था मतलब वो उसके बारे में डिसाइड किया कि क्या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके क्या क्या फीचर हैं, कैसे उनको उनमें हमारे जो पुराने जो वो हैं फिलोसोफर आर्यभट्ट परिणी पतंजलि इन सबको, मतलब जिन्होंने पतंजलि लिखी थी परिणी को जानते हो ना आप, तो इन सब की शिक्षाएँ जो हैं उनको ऐड किया गया है, और मतलब काफ़ी स्किल बेस्ड है। इसके ऊपर तो आप इतना लिख सकते हो कि ये तो ऐसा ऐसा था जो मेरे नोट्स में से आया था, तो पूरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में ढंग से पढ़ के जाता है, ये तो एकदम जोरदार ऐसा था, ठीक है जी। अब बात करते हैं, और देखिए फैक्ट घुसाने, फालतू अपने मर्जी से कुछ नहीं लिखना, जो NEP में दिया हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या उसके फीचर है वही वही लिखना है, वही वही मैंने लिखा है, ठीक है जी। अब बात करते हैं जो थर्ड ऐसे जो मैंने लिखा था, वो था घुसपैठिए भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। देखिए आपको तो बताइए इंडिया का तो घुसपैठियों से भरा हुआ है, इसलिए तो CAPF की जरूरत पड़ती है। इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है, उधर से आग घुसते रहते हैं घुसपैठिए। जम्मू कश्मीर में अलग समस्या, वहाँ CRPF लगी हुई है, इधर BSF गार्ड कर रही है राजस्थान वाला बॉर्डर, बांग्लादेश वाला बॉर्डर, ठीक है जी। मतलब जो रेगिस्तान का जो बॉर्डर है, पंजाब का जो बॉर्डर है, BSF गार्ड कर रही है, उधर अलग से नेपाल से अलग लोग घुस के आ रहे हैं, म्यांमार से अलग, मतलब सब घुस के ही यहाँ आ रहे हैं। तो अब ये खतरा कैसे है, देखिए नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ग्रुप हैं, खाफलान नाम है, ठीक है जी, और ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं। तो अब देखो होता क्या है, वहाँ से भाग के जो आते हैं तो ये स्किल्ड लेबर तो होती नहीं, उनके पास कोई स्किल वगैरह होती नहीं है, तो यहाँ के क्या करते हैं ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं और उनके पास कोई काम ही नहीं बचता। दिल्ली में 50 से चोरियाँ करते हैं, अभी जो एयरफोर्स के ऊपर ड्रोन अटैक आया उसके ऊपर भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन्हीं घुसपैठियों का काम है। तो इस तरह से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। अब देखिए जैसे मोहम्मद अलकायदा इन सब ग्रुपों को ज्वाइन करते हैं, खाफलान को ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर सुसाइड बॉम्बर की तरह एक्ट करते हैं, यहाँ पर 50 तरह के टेररिस्ट अटैक करवाते हैं, कितना कॉस्ट बढ़ता है सिक्योरिटी फोर्सेज का इनको और देखने के लिए, तो ये भारत सुरक्षा के लिए खतरा है। इसके ऊपर तो मतलब एक CAPF की तैयारी करेंगे ना एक साल, तो आप इसी सब के बारे में जब पढ़ोगे तो आपके अपने आप ही समझ आ जाएगा कि ये ऐसे तो ऐसा था कि काफ़ी सिंपल लेवल का लगा मुझे, ठीक है। ये तीन ऐसे किए थे ये जो मैंने लिखे थे, ठीक है। तो अब आगे अगले क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं, आप जज करते रहिए कि किस तरह का कंटेंट जो मैं बता रहा हूँ। देखिए सारे बॉर्डर को कवर करना है पहले तो, कहाँ से कौन कौन घुसा है, क्या है, कि किधर से इनफिल्ट्रेशन होता है, कहाँ पे कौन सी फोर्स इसलिए लगी हुई है, प्लस वो क्या क्या खतरा दे सकते हैं, वो मैंने बता दिया आपको खतरे क्या क्या हो सकते हैं। चोरियाँ करते हैं यहाँ के, तलीम 50 चोरियाँ जो हैं वो इन्फिल्ट्रेटरी तो कर रहे हैं, ये रोहिंग्या मुसलमान और जो भी आए हुए हैं इधर उधर से, तो खतरा तो है ही सुरक्षा के लिए, तो इसमें तो ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं, ये तो काफ़ी ईजी लेवल का ऐसे है मेरे ख्याल से, ठीक है जी। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आर्गुमेंट का, आर्गुमेंट इसमें कुछ मैंने पहले बता चुका हूँ, कुछ चीज़ें सपोर्ट में लिखी होती हैं, कुछ अगेंस्ट में लिखनी होती हैं। तो देखिए उसमें क्या होता है कि जैसे अभी बात कर ले फार्म प्रोडक्ट के बारे में, तो सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन सा लिख दो, इंट्रोडक्शन बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए, फार्म प्रोडक्ट के बारे में बता दो क्यों हो रहा है, कि 3 बिल आए थे और भाई साहब उनकी वजह से फार्म प्रोटेस्ट हो रहे हैं जगह जगह, एक मिनट 2-3 लाइन का, ठीक है, मुझे ज़्यादा नहीं लिखना। अब क्वेश्चन, अब मैं आते हैं मेन क्वेश्चन पे, पहले मैं इस वाले आर्गुमेंट को डिस्कस करता हूँ कि मैंने इसके सपोर्ट में क्या लिखा था कि फार्म प्रोटेस्ट आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। देखिए मेरा जो तरीका होता है आर्गुमेंट लिखने का, मेरे ख्याल से आप सबको फॉलो करना चाहिए, वो क्या है कि आपको इतना याद रखना चाहिए कि हमको ना
इस तरह से आर्गुमेंट जो लिखने हैं कि उनका काउंटर आर्गुमेंट भी लिख सकें। तो इस तरह की बात सोचिए जिनको अपोज भी कर सको तुम लोग। आर्गुमेंट क्या है कि दो लोग आपस में बहस कर रहे हैं, तुमने कुछ जवाब दिया फिर दूसरे ने उसका काउंटर जवाब दिया। ये एक ऑफिसर के दिमाग को चेक करने का सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि आराम से चेक हो जाता है कि भाई तुम किसी टॉपिक पर क्या राय रखते हो, उसके सपोर्ट में क्या रखते हो, अगेंस्ट में क्या रखते हो। ठीक है जी, तो देखिए इसको देखते हैं कि ये क्वेश्चन बोला है फार्म प्रोटेस्ट आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। देखिए ऐसे को तो हिंदी में लिखा जाता है लेकिन ये सब क्या इंग्लिश में लिखना है आपको। तो देखिए मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट यूँ कह रहा है कि फार्म जो प्रोटेस्ट हैं वो पॉलिटिकली क्या है, मोटिवेटेड है। तो वो क्यों मोटिवेटेड है आपको पहले ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो उस बारे में बात करते हैं। तो देखिए पहला चीज़ तो ये जो मैंने इसके फेवर में जो आर्गूमेंट लिखा था, अब देखिए उसके अगेंस्ट में आपको साथ साथ बता जाऊँगा जो मैंने सोच लिया था पहले ही, कि जैसे पंजाब की जो स्टेट है आपने देखा होगा कि वही स्टेट में ज़्यादा हो रहे हैं जो ये दंगे उसी में हो रहे हैं, लेकिन अगर प्रोडक्शन की बात की जाए फूड प्रोडक्शन अनाज की प्रोडक्शन की, तो वो पंजाब तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो दूसरी बात है, टॉप फाइव टॉप एट तक तो कहीं आता भी नहीं है पंजाब। पहले यूपी आता है, फिर और भी कई एमपी वगैरह ये सब, और फिर ये इधर की स्टेट आ जाती हैं। मतलब पंजाब का जो फूड प्रोडक्शन है या गेहूँ का प्रोडक्शन है वो तो काफ़ी कम है, फिर लोग को प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो इससे क्लियर कट अंदाज़ा मिलता है कि यार ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अब इसके अगेंस्ट में क्या लिखा मैंने कि भले ही दूसरे स्टेट के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट ना कर रहे हों लेकिन फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, वो अपनी फार्म यूनिट को दिखाते हुए खड़े हैं उनके साथ कि भाई हम तुमको पैसे भेजते हैं तुम प्रोटेस्ट करो। इसके अगेंस्ट में आर्गूमेंट हो गया। एक ऐसा नहीं साथ में लिखने, पहले आपको फॉर के पॉइंट लिखने और फिर अगेंस्ट के लिखने। मैं तो आपको साथ साथ बताया जा रहा हूँ कि आपको साथ में सोच जरूर लेना है कि इसका अगेंस्ट में क्या पॉइंट लिखूंगा। तो चार चार पॉइंट काफ़ी होते हैं, वो लिख दीजिए आप। ठीक है, दूसरा जो आर्गूमेंट मैंने लिखा था कि देखिए कई लोगों से पूछा गया इंटरव्यू के दौरान, कई न्यूज़ इंटरव्यू सामने आए जिन फार्मर से पूछा गया भाई उनको क्या प्रॉब्लम है फार्म प्रोटेस्ट से, तो सच में उनको फार्म बिल के बारे में ही नहीं पता है कि क्या है, बस वो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। ये भी एक क्लियर कट अंदाजा है। इसका अगेंस्ट में लिखा जा सकता है कि आजकल सभी के पास मोबाइल है और सारे किसान अवेयर हैं, एक दो के बेसिस पर सबको जज नहीं कर सकते कि सबको फार्म बिल के बारे में नहीं पता। ठीक है जी, ये इसका काउंटर आर्गूमेंट हो सकता है। अब देखिए तीसरा जो आर्गूमेंट वो मैंने लिखा था वो इस बारे में था, जैसे कि अभी इन्होंने कुछ ऐसी उपद्रवी थे जिन्होंने ऐसी अजीब हरकतें कर दी थी, जैसे जो क्लियर कट एंटी इंडिया एंटी नेशनल थी, जैसे खालिस्तान का झंडा लेके घूमना। तो मतलब ये सब अलग ही दिखाता है कि यार ये तो कुछ और ही मेंटेलिटी लेके घूम रहे हैं। इनका फार्म प्रोटेक्शन से ज़्यादा ध्यान तो कुछ फालतू चीज़ों में, अलग अलग तरह के दंगे करना, लाल किले पे झंडा फहरा देना अपना, तो ये चीज़ें कोई प्रोटेस्ट करने का तरीका तो है नहीं। तो इससे ही पता चलता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो हैं। ठीक है, और एक ही कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं, सबसे मेन बात देखिए एक ही कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं, ये मेन बात देखिए। तो देखिए इन दोनों के कारण काउंटर आर्गूमेंट मैंने क्या दिए कि देखिए ऐसी बात नहीं कि कुछ ही ऐसे खालिस्तान वगैरह के झंडे दिखे गए, इंडिया के फ्लैग भी कई जगह दिखे गए हैं। ठीक है जी, कई लोग सच्चे देशभक्त हैं और प्रोटेस्ट बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, कुछ उपद्रवियों के चक्कर में हम सबको नहीं आंक सकते। ठीक है, एक तो ये आर्गूमेंट हुआ। दूसरा जो मैंने बोला था कि एक ही कम्युनिटी क्यों कर रही है, सिख कम्युनिटी, औरों को प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए पंजाब जो स्टेट है उसी में सबसे मेजोरिटी ऑफ द सिख रहते हैं, सीधी बात है अगर पंजाब स्टेट में प्रोटेस्ट होगा तो उनमें सिख ही ज़्यादा दिखेंगे। ये इसका क्या हो सकता है काउंटर आर्गूमेंट, देख सर देख रहे हो आप कि किस तरह से आपको आर्गूमेंट सोचते हो, काउंटर आर्गूमेंट साथ में ही सोचते जाना है। अगला जैसे आर्गूमेंट आया था इलेक्शन इन स्टेट शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो स्टेट में जो इलेक्शन है वो एक साथ होने चाहिए। इसके ऊपर भी आप काफ़ी अच्छे अच्छे आर्गूमेंट दे सकते हो, जैसे क्यों होने चाहिए। देखिए इलेक्शन कराने में सरकार का जब अलग टाइम पर इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारा खर्चा होता है, बहुत सारा मैनेजमेंट करना होता है, ऐसे कई जगहों की बुकिंग करो और बहुत सारे खर्चे होते हैं, सरकार टेंडर निकालती है सब, अगर एक ही साथ होने लग जाएंगे तो खर्चा तो पक्का कम होगा ही। ठीक है जी, और दूसरी चीज़ के बार बार फोर्सेज को इलेक्शन कराने होते हैं तो सेंटर की जो फोर्सेज हैं वो डिप्लॉय की जाती हैं इधर उधर, उनको भागना होता है इधर से, लेकिन एक बार में हो जाएंगे तो फोर्सेज एक बार को बिजी रहेंगी लेकिन फिर बाद में फ्री तो हो जाएंगी, अपनी नेशनल सिक्योरिटी पर ध्यान दे पाएंगी। लेकिन इसका काउंटर आर्गूमेंट क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि भाई अगर एक साथ इलेक्शन होंगे पूरे देश में तो एक बहुत बड़ा टुकड़ा, एक मतलब जो इंटरनल फोर्सेज है अपनी CRPF CISF इनका एक बहुत बड़ा अमाउंट में फोर्सेज जो उनको डिप्लॉय करनी पड़ेंगी, तो बहुत बड़ा टुकड़ा तो इलेक्शन ड्यूटीज में लगा होगा, तो नेशनल सिक्योरिटी कौन देखेगा उस वक्त। इसका फ़ायदा जो हमारे दुश्मन देश हैं और या भी जो भी दुश्मन है वो उठा सकते हैं। तो इस तरह के काउंटर आर्गूमेंट आप आराम से लिख सकते हैं, मतलब ये तो काफ़ी सिंपल लेवल के आर्गूमेंट आए ठीक अगर सोचा जाए तो, लेकिन जिनको नहीं आते लेकिन इन सब चीज़ों का आपको सोचना पड़ेगा। फार्म प्रोटेस्ट हुआ क्या, कितना कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो ये सब के बारे में ये आपका था आर्गुमेंट का क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैं लिख के आया हूँ। ठीक है जी, आप मुझे जज कर लेना, और वो एक भी ऐसा आर्गूमेंट नहीं बताऊँगा जो मैं नहीं लिख के आया हूँ, क्योंकि देखिए वो तो खैर यहाँ बैठ के बताना तो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ बहुत आसान है। एग्ज़ाम प्रेशर में जो लिखते हैं जो ध्यान आता है वो कुछ अलग ही होता है, तो मैं आपको बस वो बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में मैंने लिखा है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है रिपोर्ट का। रिपोर्ट में क्या 200 वर्ड में ले रहा हूँ, 10-10 नंबर की दो रिपोर्ट है। रिपोर्ट में तो बेसिकली क्या फॉर्मेलिटी मैटर करता है असली। देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी करंट का टॉपिक आ गया जैसे ऑक्सीजन क्राइसिस इन दिल्ली, अब आपको मतलब ज़्यादातर लोगों को एक बेसिक डेटा तो नहीं क्लियर होता कि कौन से हॉस्पिटल में कितने लोग मर गए क्या हुआ, इतना कुछ क्लियर है नहीं हमें अखबार वालों की तरह। वेस्ट बंगाल पोल वायलेंस, अब ये थोड़ी है कितने लोग मरे वहाँ पे, किस जवान ने क्या बोला था, तो इतना क्लियर नहीं है। बस आपको एक आइडिया होना चाहिए कि टॉपिक आपको लिखना है, असली में फॉर्मेट बहुत मैटर करता है रिपोर्ट का। तो मैंने फॉर्मेट लिखा, टाइटल लिखा, ठीक है जी, और इधर क्या है एक लिखा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, डेट लिखी, टाइम लिखा, और अगर लिखना स्टार्ट। मतलब रिपोर्ट क्या पास्ट में होती है, रिपोर्ट क्या मतलब क्या है, अखबार में जो रिपोर्ट देखते हैं आप जो हो चुका है पास्ट में, और रिपोर्ट बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, अपने मन से इसमें कुछ भी नहीं डाला जाता। तो ये सब लिखा कि कैसे, पहले तो इसके बारे में बताइए कि जो कोरोना की सेकेंड वेव का ऐसा इम्पैक्ट पड़ा है कि ऐसा मेडिकल ऑक्सीजन क्राइसिस हो गई है। क्यों होती है, क्योंकि मेडिकल जो ऑक्सीजन थेरेपी है उसका यूज किया जाता है कोरोना के लिए, और ऐसे ही कोरोना की मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी, तो दिल्ली में क्या हुआ कि ऑक्सीजन की सिलेंडर है उनकी बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गई, ये ऐसे करके रिपोर्ट हुई। फिर उसके बारे में ये कहा जाता है कि सरकार ने इसके बारे में ये कदम उठा रही है, जिस तरह से रिपोर्ट होती है। पोल वायलेंस इन बंगाल, जैसा कि आपको बताया कि बंगाल में जब जो इलेक्शन हुए थे तो जो CRPF वहाँ पर जो ड्यूटी पर लगी हुई थी, तो उसके चक्कर में उन्होंने कुछ फायरिंग करनी पड़ गई थी, कि कुछ उपद्रवी तरफ जो तत्व थे वो क्या है बूथ कैप्चर वगैरह, मतलब बहुत सारी ऐसी हरकतें कर रहे थे, मान ही रहे थे, तो उसको इसके ऊपर एक रिपोर्ट है। अगर आपको न्यूज पता होगी तो आप लिख सकते हो। तो इसके ऊपर तो बेसिकली ये लिखा था कि मैंने कि जैसे वहाँ पे ये घटना हो गई थी, फिर जो उनकी वहाँ ममता दीदी जो हैं उन्होंने थोड़ा इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत की काफ़ी सेंटर की फोर्सेज के बारे में, कि हमारे उस लोगों को वही नहीं करने दे रहे काम वगैरह, तो ये तरह का डिस्प्यूट था। ठीक है जी, ये रिपोर्ट, रिपोर्ट का तो बस ऐसा है कि देखिए फॉर्मेट के कुछ नंबर होते हैं, प्लस आपको बेसिक जानकारी उसके कुछ नंबर हैं, क्योंकि एग्जैक्ट तो पूरी रिपोर्ट कोई लिख सकता नहीं है, क्योंकि सारा डेटा तो किसी को याद होता नहीं है, करंट से आती है रिपोर्ट तो। ठीक है जी, ये लास्ट क्वेश्चन है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रेसी। क्योंकि रेडियन ग्रीन कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल था, मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, आपको उसको खुद देख सकते हैं, और ग्रामर भी आप खुद ही देख सकते हैं। ठीक है जी, अब देखिए फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरे कितने मार्क्स आ सकते हैं, उसके लिए जरूर एंड तक बने रहिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मज़ा आने वाला वीडियो में, आपके लिए काफ़ी हेल्प होने वाली है। देखिए प्रेसी ये आया था, तो प्रेसी का बेसिकली मैं बताता हूँ क्या था। ये ऐसा बोल रहा था कि अभी जिस तरह का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम बदल रहे हैं, पहले कई तरह के मौसम होते थे, बहुत सारी चिड़िया घूमती थी आसपास, लेकिन आप पढ़ोगे ना इसको तो बहुत टफ है ये प्रेसी। मैं बता रहा हूँ जो मैं लिख के आया, मैंने समझा इसको, दो तीन बार पढ़ा तो मेरे ये समझ आया। तो अभी क्या हो गया है कि बस दो ही मौसम रहेंगे, सर्दी आती है फिर गर्मी आ जाती है, यही मौसम रहेगा, वो चिड़िया वगैरह दिखती नहीं है, पोल्यूशन काफ़ी होने लग गया दिल्ली में, तो ये सब इसके ऊपर था। इसको क्या है आपको 1/3 में अपने शब्दों में लिखना है, इसमें दिख नहीं, अपने शब्दों में, थीम यही रहनी चाहिए, मतलब यही रहना चाहिए, लेकिन अपने शब्दों में 1/3 पार्ट में लिख देना है, जैसे 3 पैरा है तो 1 पैरा के बराबर बना के लिख देना है इसको। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो बस आपको उसी तरह से इसको लिख देना है। ये था, तो ये काफ़ी टफ लेवल का था, लेकिन मैं इसको तो करके आया था पूरा। ठीक है जी, देखिए अभी बात करते हैं पेपर 2 का कैसा रहा फिर मेरा। रीडिंग कॉम्बिनेशन का मैंने आपको बता दी कि काफ़ी सिंपल था, वो मैंने किया ही था क्वेश्चन। अब देखिए ग्रामर में जो मैंने ब्लंडर क्या किए हैं, एक तो ऐसे छूट चुका है मेरा आपको पता है 20 नंबर का, ग्रामर 10 नंबर की, कुल मिला के 170 नंबर का अटैम्प्ट मैंने किया है। आपको मैंने बता दिया मैंने क्या क्या आंसर लिखे थे, आप खुद जज कर सकते हो। देखिए मैंने खुद को कम से कम जज करके अपने मार्क्स मैंने जो खुद को दिए थे वो दिए थे मैंने 65 से 70 मार्क्स। ठीक है जी, इतने मार्क्स आएंगे कम से कम जो देगा, प्लस मेरे 141 तो उसमें आ ही रहे हैं, कितने 141 प्लस अगर मिनिमम इसमें 65 भी रख लेते हैं तो कुल मिला के 206 मार्क्स हैं। अब देखिए पेपर शायद क्वालिफाई हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, कट ऑफ तो क्लियर शायद हो जाए ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन यही ब्लंडर रहा था कि मुझे थोड़ा टाइम का मैनेजमेंट करना चाहिए था, और वो इसलिए हुआ क्योंकि यार टाइम थोड़ा कम था मेरे पास, तो मैंने पेपर 2 का एक भी मॉक नहीं दिया था, तो मुझे थोड़ा टाइम, क्योंकि मुझे ये तो पता था कि कंटेंट तो मैं काफ़ी तैयार कर रहा हूँ, लेकिन एक मॉक देख के देखना चाहिए था कि किस तरह से टाइम को मैनेज किया, टाइम थोड़ा कम पड़ गया इस चक्कर मेरा पेपर छूट गया, लेकिन जितना लिखा है वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। देखिए ऐसे किसी को एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं लगानी चाहिए, लेकिन ऐसा बोल रहे हैं कि एनालिसिस करने वाले जो टीचर्स हैं कि 2017 का पेपर जो था वो ईजी था, उसी के जैसा ही कुछ है, लास्ट टाइम का जो पेपर है उससे तो ये ईजी है। देखिए कट ऑफ क्या है, 125 लगा लीजिए, इससे ज़्यादा तो वैसे भी नहीं जानी, 125 प्लस। ठीक है, OBC वाले उसी के हिसाब से और ST वाले उसी हिसाब से आप अपने लगा सकते हैं कट ऑफ। ठीक है, अब मैंने आपको अपना बताई दिया है पूरा ओपिनियन कि मेरा इस पेपर के बारे में क्या ओपिनियन था, मेरे कैसे मार्क्स आ रहे हैं। अब आप कमेंट में बताइए कि आपको नई वीडियो किस टॉपिक्स पर चाहिए, और देखिए हाँ जो ऐसे के 4 टॉपिक थे वो मेरे नोट्स से आए थे, मैं आपको बोल रहा हूँ कि चैनल को क्या है आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, आपको भी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे पेपर 2 के लिए, एक्सपेक्टेड टॉपिक दिए जाएंगे, आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है इस चैनल से। और बता ही चुका हूँ मैंने CAPF की GK का संपूर्ण कोर्स इस पर आने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट, और इतना अच्छे से उनसे बार कुछ नहीं जाएगा, उनसे बार कुछ जाता है तो वो किसी पर नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ लीजिएगा, आप जो क्वेश्चन अच्छे अच्छी कोचिंग वाले कर पाएंगे वो आप भी कर पाएंगे, इतनी सी बात है बस। ठीक है जी, चलिए तो जय हिंद जय भारत।